नमस्कार दोस्तों, मैं विराट अंगवाल प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड टेस्ट सीरीज पर यह हमारा 17वां वीडियो क्लास है और इस पर आज जो हम बात करेंगे इन 15 क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, जो आपके ई गार्डनर है दोस्तों, ई गार्डनर जो थे वो कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में कितने समय तक नियुक्त रहे। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, क्योंकि दोस्तों जो आपके पहले कुमाऊं कमिश्नर थे आपके ई गार्डनर, ये आपके 3 मई 1815 को पहले कुमाऊं के कमिश्नर बने थे और इस कार्य ये इस पद पर यह कुल कितने माह रहे थे? केवल 9 माह रहे थे। उसके बाद आपके ट्रेल अगले आपके कमिश्नर होंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि 9 माह ही उन्होंने अपना कार्य कर रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो आपका एक हत्या नौला है वह किसने बनाया है, यानी कि जो उसको बनाया है दोस्तों, उसको बनाने वाले जो मिस्त्री का नाम है, उनका नाम है आपका जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री। तो क्वेश्चन आपका क्या बनेगा कि जो आपका एक हत्या नौला है वह किसने बनाया? जगन्नाथ मिस्त्री ने बना रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आपका जो किस चंद शासक का छाया चित्र न्यूयॉर्क के आपके ब्रू विलन म्यूजियम में है? तो यहाँ पर जो चंद शासक है और जो आपके जो चंद शासक रहेंगे उनका नाम क्या है? आपका बांझ बहादुर। यानी कि बांझ बहादुर का जो छाया चित्र है वह आपके कहां पर है? ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है, किस मुख्यमंत्री ने डंगरियों तथा जगरियों की पेंशन व्यवस्था की थी? दोस्तों जब आपके हरीश रावत थे तो हरीश रावत ने ही ये व्यवस्था यहाँ पे शुरू की थी। कौन, किसका नाम आएगा? हरीश रावत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें कि आपके जो कौन से पवार शासक का नाम पूर्वदेव था, यानी कि जो आपका अजय पाल है दोस्तों, अजय पाल को यहाँ पर क्या कहा गया है? अजय पाल को क्या कहा गया है? पूर्वदेव कहा गया है। और इसमें अगर बात आएगी इसको यहाँ का जो आपका उत्तराखंड है, यानी कि गढ़वाल का जो दुर्योधन कहा गया है, वो भी आपके किसको कहा गया है? अजय पाल को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो आपका सूर्य प्रयाग है, सूर्य प्रयाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो सूर्य प्रयाग है ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो रुद्र प्रयाग है ये आपके रुद्र प्रयाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जो आपका शिला समुद्र है, शिला समुद्र जो बुग्याल है वह कहां पर स्थित है? शिला समुद्र बुग्याल जो है दोस्तों, ये आपका जो चमोली है ये आपके चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, जो उत्तराखंड में आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? यानी कि उत्तराखंड में जो आंदोलन का जो श्रेय दिया जाता है वह आपके जो प्रयाग दत्त पंत जी हैं उनको दिया जाता है। दोस्तों जो इनका जन्म हो रखा है वह 1898 में हो रखा है और कहां पर हो रखा है? पिथौरागढ़ में। और जो इनकी मृत्यु होगी वो कब होगी? 1935 में। तो आपको ये भी याद रखना है कब से, यानी कि आपके 1898 में जन्म हुआ और 1935 में इनकी मृत्यु, और जन्म स्थान कहां है? पिथौरागढ़ में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो उत्तराखंड में जो जुड़वा शहर है वह किसे कहा जाता है? दोस्तों उत्तराखंड को जो जुड़वा शहर कहा जाता है वो आपका जो हरिद्वार है, हरिद्वार वह जो आपका ऋषिकेश है, ऋषिकेश इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जुड़वा आपका शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो आपका तीज महोत्सव है, तीज महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? दोस्तों जो तीज महोत्सव है ये आपके कहां मनाया जाता है? ये आपका कोटद्वार में मनाया जाता है, कोटद्वार में मनाया जाता है। अगला इसी के बाद जो क्वेश्चन है यह है कि कोटद्वार किस नदी के तट पर है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो जो आपका कोटद्वार है दोस्तों यह खो नदी के तट पर है, यानी कि खो नदी के तट पर आपका कोटद्वार रहेगा और यहीं पर आपका कौन सा तीज महोत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य का जो ज्योतिपीठ है वह कहां पर है? उसे क्या ज्योतिपीठ कहते हैं, यानी कि कहां पर है? आएगा जोशीमठ का। ये इसका जो आंसर है दोस्तों वह आपका जोशीमठ है। आपको इसको ऐसे याद रखना है क्योंकि जो शंकराचार्य है दोस्तों, शंकराचार्य ने भारत में
भारत के चारों दिशाओं में क्या यहाँ पर अपने जो मठ है यानी कि जो पीठ है उनकी स्थापना कर रखी है। जैसे कि अगर हम बात करें उन्होंने कहाँ पर, उन्होंने जोशी मठ में, यानी कि इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में जो धाम हो गया, उत्तर में जो हो गया वो बद्री धाम हो गया, यानी कि आपका बद्री पीठ हो गया। और आपके कहाँ पर दक्षिण में आपका कौन सा हो जाएगा, श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा, श्रृंगेरी पीठ हो जाएगा। इसको मैं ठीक से आपको लिख के बता देता हूँ ताकि आप इसको भी याद रखोगे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका कौन सा हो गया, बद्री धाम हो गया, और यहाँ पर आपका श्रृंगेरी पीठ हो गया, और यहाँ पर आपका गोवर्धन पीठ हो गया, और यहाँ पर आपका कौन सा शारदा पीठ हो गया। शारदा पीठ कहाँ हो जाएगा आपका, हरिद्वार में, यानी कि सॉरी आपके गुजरात में, यानी कि आपको क्या शारदा पीठ आपको गुजरात में हो गया, और बद्री धाम आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में हो गया, और आपका गोवर्धन पीठ कहां पर हो जाएगा, उड़ीसा में, और जो श्रृंगेरी पीठ है ये रामेश्वर में यानी कि तमिलनाडु में आ जाता है। तो उन्हीं में से एक आपका कौन सा है, शंकराचार्य का जो ज्योतिष पीठ है उत्तराखंड में, वो कहां पर है आपके, चमोली में। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। तो ये आपको उत्तर में, दक्षिण में, आपके पूर्व में, पश्चिम में, चारों दिशाओं में आपके उनके चार पीठ, आपके नाम आपके ये हैं। आगे हम इस पर जो बात करेंगे उस पर जो अगला क्वेश्चन है, जो माल देवता का जो मंदिर है वह कहां स्थित है। जो माल देवता का जो मंदिर है दोस्तों, यह आपके देहरादून में स्थित है, देहरादून में स्थित है। अगला है जो नंदा राजजात यात्रा है, नंदा राजजात यात्रा के किस पड़ाव से जो महिलाएं हैं वो शामिल नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक जगह का नाम आता है, उसका नाम है आपका आपका पाथर नचोड़िया, यानी कि जो पाथर नचोड़िया है वहां से महिलाएं इस आपके राजजात यात्रा में शामिल नहीं होती। अगला क्वेश्चन है जो नागनाथ मंदिर है यह कहाँ स्थित है। दोस्तों जो नागनाथ मंदिर है ये तो आपके कहाँ पर स्थित है, ये तो आपके चंपावत में स्थित है। और अगर आपका जो क्वेश्चन आ गया नागदेव मंदिर, देखिए दोनों अलग है, ये नागनाथ मंदिर है जो आपके चंपावत में है। अगर नागदेव मंदिर आएगा तो नागदेव मंदिर आपका कहाँ पर रहेगा, ये आपके चमोली में रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के 15 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।